सुपर जीन 2 द ह्यूमन एवोल्यूशन राकेश स्टोरी एपिसोड 46 से लेकर 50 तक। इधर उधर फेंकने से क्षतिग्रस्त हो गया। वीर ने बेस म्यूटेशन एग पर दरारें देखी और उसका पहला विचार ये था कि पहाड़ से लुढ़कने से यह क्षतिग्रस्त हो गया होगा। लेकिन फिर उसने सोचा, यह एक विशालकाय राजा का आधार उत्परिवर्तन एग था। निश्चित रूप से यह इतनी आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ होगा। अगर इसे इधर उधर फेंकने से कोई नुकसान नहीं हुआ है तो शायद यह इसके एग सेने का सही समय है, वीर ने सोचा। ब्लैक डेविल चुपचाप खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन चुपचाप अपनी बेस म्यूटेशन शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। उसके शरीर के भीतर से एक रहस्यमय पदार्थ निकला जो उसकी रक्षा के लिए एक कवच में बदल गया। वीर के अनुसार विशाल राजा संभवतः म्यूटेंट क्रिस्टल बेस लेबल का था, इसलिए उसकी संतान भी स्वाभाविक रूप से म्यूटेंट क्रिस्टल बेस लेबल की होगी। भले ही वह अभी अभी पैदा हुआ हो, भ्रमित और अनजान हो, उसे वश में करना शायद आसान नहीं था। बेस म्यूटेशन एग पर दरारें बढ़ गईं और वीर ने अपनी कैप्सूल गन भी निकाल ली। जो भी छोटी चीज उस पर हमला कर सकती थी, उसे कठोर सबक सिखाने के लिए तैयार था। क्लिक क्लिक, बेस म्यूटेशन एग पर दरारें और अधिक हो गईं और अचानक वह दो टुकड़ों में विभाजित हो गया तथा उसके अंदर से एक गोल वस्तु बाहर आने लगी। वीर और ब्लैक डेविल, जो उस एलियन को वश में करने के लिए भयंकर युद्ध के लिए तैयार थे, जब उन्होंने स्पष्ट रूप से उस वस्तु को देखा तो वे दंग रह गए। यहां तक कि जिस तरह से उन्होंने इसे देखा वह आश्चर्य और अविश्वास से भरा था। आखिर यह क्या है, वीर ने अपनी आंखें रगड़ी। उसे संदेह था कि कहीं उनमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन वीर ने चाहे जितना भी रगड़ा, उसने जो देखा वह वही मोटी चीज थी। बेस म्यूटेशन एग से जो निकला था वह बेस वेरिएंट एलियन नहीं था। इसे आधार संस्करण एलियन नहीं माना गया। इसका कारण यह था कि इस पर कोई धातु की वस्तु नहीं थी, केवल सफेद पंख, गोल शरीर, लाल आंखें और गुलाबी पंजे थे। यह एक मोटे सफेद कबूतर से अधिक कुछ नहीं था। आधार संस्करण एलियन संभवतः केवल मांस और रक्त नहीं हो सकता, इसलिए यह सफेद मोटा पक्षी बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता था। फिर भी यह स्पष्ट रूप से एक बेस म्यूटेशन एग से निकला था। यदि यह बेस वेरिएंट एलियन नहीं था तो फिर क्या हो सकता था? न केवल वीर बल्कि ब्लैक डेविल भी पूरी तरह से चकित था। जबकि दोनों व्यक्ति प्रश्न चिन्हों से भरे हुए थे, उस छोटी सी चीज ने अपना शरीर हिलाया और बेस म्यूटेशन एग के टुकड़ों की ओर चला गया। संभवतः क्योंकि वह बहुत मोटा था, वह बत्तख की तरह चलता था तथा उसका पिछला हिस्सा हास्यास्पद किंतु कुछ हद तक मनमोहक ढंग से डिगमगाता था। उस छोटी सी चीज ने चोंच मारी जिससे वीर और ब्लैक डेविल दोनों चौंक गए। बेस म्यूटेशन एग न केवल भारी था बल्कि अत्यंत कठोर भी था। ये पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आ गया था और बिना किसी क्षति के बड़ी चट्टानों को टुकड़ों में तोड़ दिया था। फिर भी इस हटे कट्टे एलियन ने इन कठोर टुकड़ों को आसानी से टुकड़ों में तोड़ दिया और तेजी से उन्हें निगल लिया। यह मोटा पक्षी आखिरकार एक बेस वेरिएंट एलियन ही होगा। मुझे नहीं पता कि यह इस तरह क्यों निकला। खैर, चलो पहले इसे वश में करते हैं, वीर टुकड़ों को छीनने के उद्देश्य से आगे बढ़ा और अपने सामान्य तरीकों का उपयोग करके इस अजीब बेस वेरिएंट एलियन को वश में करने का इरादा किया। वीर अभी टुकड़ों के करीब पहुंचा ही था और उसने उन्हें उठाया भी नहीं था कि उसने देखा कि उसका मोटा पक्षी उसकी ओर बढ़ रहा है। इससे वीर चौंक गया और उसे कुछ कदम पीछे हटना पड़ा, जबकि ब्लैक डेविल वुफुआ भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। मोटा पक्षी अपने वजन के कारण तेजी से नहीं चल पा रहा था और जल्दबाजी में उसने अपने पंख कई बार फड़फड़ाए। शायद वह वाकई बहुत मोटा था क्योंकि वह छलांग भी नहीं लगा पा रहा था। उड़ना तो दूर की बात थी और वह वीर को पकड़ने में भी विफल रहा। जब वीर उसकी हास्यास्पद हरकतों को देख रहा था और उसे रोने और हंसने की इच्छा हो रही थी, तो मोटे पक्षी की आकृति अचानक चमकी और फिर उस स्थान से गायब हो गई। अच्छा नहीं, वीर को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने देखा कि गायब हो चुका मोटा पक्षी उसके पैरों के पास आ गया, अपने गोल सिर को उसके पिंडली से रगड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्यारा और चुलबुला अभिनय करने की कोशिश कर रहा हो। ये वीर को लगा कि आज वाकई एक आंख खोलने वाली घटना घटी है। उसने पहले कभी ऐसे बेस वेरिएंट एलियन को न तो देखा था और न ही सुना था। उसने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाकर मोटे पक्षी के पंखों को सहलाया। मोटे पक्षी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया और यहां तक कि उसने अपना शरीर वीर के हाथ पर टिका दिया। छूने पर वीर को और भी यकीन हो गया कि यह वास्तव में मांस और खून का एलियन था। रोएदार सफेद पंखों के नीचे गर्म मांस था, न कि ठंडी धातु। आखिर यह चीज क्या है? क्या इस पर कोई पालतू जानवर की चाबी है? वीर ने मोटे पक्षी को और करीब से देखने के लिए उठाया। पक्षी ने पूरी तरह से स्थिर रहकर अपनी गर्दन को अंदर करके और वीर को समान रूप से उत्सुक लाल आंखों से देखकर सहयोग किया। ये तो बहुत बुरा था कि विशालकाय राजा का एक छोटे विशालकाय राजा में नहीं बदल पाया, लेकिन वीर किसी तरह पक्षी की शक्ल समझ पाया। हालांकि उसे यह समझ नहीं आया कि यह कैसे एक मांस और खून वाले मोटे कबूतर में बदल गया। कुछ देर तक उसकी जांच करने के बाद वह यह नहीं देख पाया कि उसके शरीर पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां वह पेट की छिपा सकता है। चाबी? क्या तुम्हारे पास चाबी है? मुझे चाबी दो, वीर ने मोटे पक्षी से कहा।
मोटे पक्षी ने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे पर भ्रम की भावना के साथ उसकी ओर देखा। ये देखकर कि मोटा पक्षी समझ नहीं पाया, वीर ने उसे नीचे रखा और उसे दिखाने के लिए एक पालतू चाबी निकाली। यह क्या तुम्हारे पास ये चीज है, इसे मुझे दे दो। फिर भी मोटा पक्षी कुछ नहीं समझ पाया। उसका छोटा सा चेहरा घबराहट और अज्ञानता से भरा हुआ था। वह वीर के पैरों के पास गया, अपने सिर को प्यार से उसके पैर पर रगड़ा और कूकने की आवाज निकाली। ठीक है, रगड़ना बंद करो, जाओ कुछ खाओ, वीर ने हैरानी और निराशा से भरे स्वर में कहा और उसने मोटे पक्षी को उठाया और उसे बेस म्यूटेशन एग के टुकड़ों के पास वापस रख दिया। मोटा पक्षी खुशी खुशी टुकड़ों पर चोंच मार रहा था और इस तरह से मुड़ रहा था कि वह वास्तव में काफी मूर्खतापूर्ण और मनमोहक लग रहा था। आप क्या सोचते हैं, वीर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ ब्लैक डेविल से पूछा। ब्लैक डेविल ने मोटे पक्षी को बहुत देर तक घूरते हुए कहा, बहुत मोटा है, अपना वजन कम करो। मुझे पता है कि यह मोटा है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैंने पूछा था, वीर के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मोटा पक्षी आम कबूतर के आकार का ही था, बस थोड़ा ज्यादा मोटा और लगभग गोल। अपने सफेद पंखों के साथ ये दूर से देखने पर एक स्नोबॉल जैसा दिखता था। हालांकि वह बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी भूख बहुत ज्यादा थी। उसने कुछ ही पलों में बेस म्यूटेशन एग के सभी टुकड़े खा लिए थे। यह एक रहस्य था कि इतना छोटा शरीर वाला एलियन इतने सारे टुकड़े कैसे खा सकता है। खाने के बाद मोटा पक्षी लड़खड़ाते हुए वीर के पास वापस आया और एक बार फिर उसके खिलाफ अपना सिर रगड़ना शुरू कर दिया। उसके छोटे पंजे उसके शरीर को खरोंच रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वीर ने उसे उठा लिया और मोटे पक्षी का वजन बिल्कुल भी नहीं बढ़ा था। बेस म्यूटेशन एग इतना भारी था कि स्वर्ग के लिए बलिदान की शक्ति से मजबूत वीर को भी इसे उठाने में संघर्ष करना पड़ा। फिर भी मोटे पक्षी द्वारा सभी टुकड़ों को खाने के बाद यह आश्चर्यजनक रूप से हल्का रह गया, एक सामान्य कबूतर से ज्यादा भारी नहीं, मानो उसने उन टुकड़ों को खाया ही न हो। चलो अभी वापस चलते हैं, वीर ने कहा और उसने मोटे पक्षी को अपने बैग के अंदर रख दिया और ऊपर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये बैग जो उसने कुनाल से लिया था एक हेवन ब्रांड का उत्पाद था, जिसे उस ग्रह पर एक विलासिता माना जाता था जिस पर वह रहता था। मोटा पक्षी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, वह थैले के अंदर बैठा था, उसका गोल सिर बाहर निकला हुआ था, उसकी लाल आंखें उत्सुकता से चारों ओर सब कुछ देख रही थीं। वीर ने मन ही मन सोचा, पता नहीं इस चीज को अपने साथ लाना वरदान साबित होगा या अभिशाप। अब उसे मोटी चिड़िया से अलग होने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। यद्यपि वह एलियन कुछ अजीब था, फिर भी कोई भी देख सकता था कि उसमें प्रबल क्षमताएं थीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब दोनों डाकबट बेस पर लौटे तो उन्होंने पाया कि चौहान शुहेंग और आनंद अरोड़ा अभी तक वापस नहीं आए थे। उन्हें वीर से पहले ही उस ग्रह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। वीर ने उनसे बाद में प्रवेश किया था और उनके टेलीपोर्टर की कूलडाउन अवधि वीर की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए उन्हें और भी पहले टेलीपोर्ट कर देना चाहिए था। अब चूंकि वे अभी भी वापस नहीं लौटे थे तो या तो वे पहले ही मर चुके थे और इसलिए वापस टेलीपोर्ट करने में असमर्थ थे, या फिर वे वापस आने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उन्होंने उस ग्रह पर अन्य उपलब्धियां प्राप्त कर ली थीं। वीर को अभी भी उम्मीद थी कि वे वापस लौट सकते हैं, आखिरकार अगर उसे फिर से गॉड माउंटेन जाना पड़ा तो उसे अभी भी उनके साथ मौजूद डाक बड्स के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। वीर की वापसी के बारे में जानने के बाद चौहान और अरोड़ा परिवार असामान्य रूप से शांत हो गए और किसी ने भी जानकारी के लिए जांच करने की हिम्मत नहीं की। वे इस बात से बेहद भयभीत थे कि उनके अपने लोग कभी वापस नहीं लौटेंगे, और यदि ऐसा हुआ तो संभवतः चौहान और अरोड़ा परिवारों के लिए रहेजा परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल रहेजा परिवार के चार मैनेजर वीर से मिलने आए थे। वीर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस उन्हें अपनी भूमिका निभाने और रहेजा परिवार के कारोबार को सामान्य रूप से चलाने का निर्देश दिया। चार प्रबंधकों को भेजने के बाद वीर ने ब्लैक डेविल के साथ गहन बातचीत की और अंततः ब्लैक डेविल को रहेजा परिवार के साथ रहने का फैसला किया। ब्लैक डेविल को रहेजा परिवार के व्यवसाय के मामलों का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं थी, उसे केवल वीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता थी। रहेजा परिवार कुल चार महत्वपूर्ण मामलों के लिए जल्दी से वापस आया। पहला काम डेथ पाउडर के विकास को पूरा होने तक इंतजार करना था। ये वीर का मुख्य युद्ध पालतू जानवर था, इसके साथ वीर को उस ग्रह पर फिर से जाने पर ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। दूसरा लक्ष्य उस ग्रह पर अगली यात्रा की तैयारी के लिए अधिक पालतू जानवर, उपकरण और अग्नि बीज प्राप्त करना था। तीसरा मामला मैचमेकिंग यात्रा पर जाना और बच्चे पैदा करना था। उस जगह के लिए कोई भी तैयारी पर्याप्त नहीं थी और इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि वहां क्या खतरे हो सकते हैं। वीर को रहेजा परिवार की वंशावली को जारी रखने के लिए सुनिश्चित करना था अगर वह वापस नहीं लौटा। यह एक वादा था जो उसने अपने भाइयों और बहनों से किया था और इसे पूरा करना था। चौथा विषय था उसके लिए उपयुक्त विकास कौशल सीखना। आधार उत्परिवर्तन से गुजरने के बाद व्यक्ति विकास कौशल का अभ्यास करना शुरू कर सकता है, जो आधार भिन्न शरीर को शुद्ध और परिष्कृत करने की एक विधि है।
सरल शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य स्टील बॉडी, सिल्वर मेटल बॉडी और क्रिस्टल बेस के भीतर की अशुद्धियों को दूर करना, गुण गुणवत्ता को बढ़ाना और बेस म्यूटेशन द्रव के अवशोषण में सुधार करना है। बेशक ये सिर्फ मानवीय समझ है। दरअसल ब्रह्मांड में विकास कौशल को ऐसे नहीं बल्कि विकास कौशल कहा जाता है। ब्रह्मांड में विकास कौशल की अनगिनत किस्में हैं और लगभग हर जाति के पास अपना अनूठा विकास कौशल होता है। हालांकि विकास कौशल को भी रैंक किया गया है और कुणाल के अनुसार ब्रह्मांड में 5 सबसे व्यापक और शीर्ष रैंक वाले विकास कौशल स्वर्गीय हृदय कौशल, सभी जीवन उत्पत्ति, विकास सिद्धांत, दिव्य रूपांतरण शास्त्र और उत्पत्ति शास्त्र हैं। ये 5 सर्वोच्च विकास कौशल के लिए संक्षिप्त रूप हैं। उदाहरण के लिए स्वर्गीय हृदय कौशल को आधिकारिक तौर पर आकाशीय एकता मन कौशल के रूप में जाना जाता है। इसे शुरू में आकाशीय जाति द्वारा बनाया गया था और बाद में इसे व्यापक रूप से प्रचारित किया गया। कई जातियों ने आकाशीय एकता मन कौशल को अपने मुख्य पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा माना और दावा किया कि यह शीर्ष 5 विकास कौशलों में सबसे प्रमुख है। बेशक वीर को लगा कि कुणाल कुछ हद तक घमंडी थी। वीर ने स्वयं विश्लेषण किया कि इन 5 विकास कौशलों को सर्वोच्च नहीं माना जा सकता, वे बस सबसे क्लासिक और व्यापक थे। ये सब आपस में जुड़ा हुआ तर्क है और वीर को विश्वास नहीं था कि ब्रह्मांड के महान ब्रह्मांडीय कबीले इतने उदार होंगे कि वे अपने सबसे अत्याधुनिक विकास कौशल को अन्य जातियों के साथ साझा करेंगे। ब्रह्मांड में बहुत अधिक प्रजातियां हैं और मानव जैसी नई अंतरिक्ष यात्रा करने वाली प्रजाति को उन महान कुलों का ध्यान आकर्षित करने में कठिनाई होगी। कई जातियां ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो जाती हैं और फिर नई जातियां पुनः उभरती हैं। कुणाल ने कहा कि वह मानव जाति के बारे में जानता है, लेकिन केवल बहुत कम मनुष्यों के बारे में। वे मनुष्य बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, बस संयोग से जाने जाते थे। ब्लैक डेविल ने भी इसकी पुष्टि की, जो इस बात से सहमत थे कि वास्तव में कई मनुष्य बाहर गए थे, लेकिन जहां तक सार्वभौमिक रूप से ज्ञात मानव शक्तियों का सवाल है तो अब तक कोई भी नहीं आया है। केवल कुछ ही लोग हैं जिन्हें थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिली है। कुणाल ने जातियों की एक ब्रह्मांडीय रैंकिंग का उल्लेख किया, जिसमें मनुष्य को सूची में स्थान पाने का भी अधिकार नहीं था। रैंकिंग 100 मिलियन पर रुक जाती है और अधिकांश प्रजातियां मनुष्यों की तरह इसके लिए योग्य नहीं होती हैं, जो ब्रह्मांड में प्रजातियों की विशाल संख्या और प्रतिस्पर्धा की तीव्रता को दर्शाता है। जहां तक महान ब्रह्मांडीय कुलों में से किसी एक द्वारा आक्रमण की संभावना का सवाल है, तो फिलहाल ये ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। यहां तक कि उन महान कुलों के लिए भी ब्रह्मांड में किसी अन्य जीवन ग्रह तक यात्रा करना अत्यंत कठिन है और इसके लिए अत्यधिक लंबे समय की आवश्यकता होती है। जब तक वे वहां पहुंचे, तब तक मानव जाति इतिहास की लंबी नदी में लुप्त हो चुकी होगी। अंतरतारकीय मार्ग मुख्य रूप से टेलीपोर्टर्स पर निर्भर थे, जैसे कलाई पर लगाया गया उपकरण जिसे वीर पहले पहनते थे। आप टेलीपोर्टर का उपयोग केवल एक विशिष्ट टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में ही कर सकते थे और टेलीपोर्टेशन सभी दिशाओं में था, जिसमें प्रत्येक उपकरण एक ग्रह से संबंधित था। ऐसे किसी भी टेलीपोर्टर की खोज नहीं की गई थी जो व्यक्तियों को यहां ला सके, और यदि ऐसा होता भी तो इतने खराब आधारभूत उत्परिवर्तन संसाधनों के साथ यह असंभव था कि बहुत से लोग यहां आ पाते। जिस ग्रह पर वीर और उनका समूह पहले गया था, वहां घूमते समय ही म्यूटेंट प्राणियों से सामना हो सकता था। यहां म्यूटेंट प्राणियों से सामना होना लॉटरी जीतने के समान संभव था। वीर को इस बात पर हैरानी हुई कि म्यूटेंट प्राणियों से भरे उस ग्रह पर एक भी अग्नि बीज नहीं पाया गया, जो काफी अजीब बात थी। क्या ये हो सकता है कि यहाँ केवल मूल आधार भिन्न जीव ही अग्नि बीज ले जाते हैं? वीर इस विचार को मन में आने से रोक नहीं सका। इसकी पुष्टि अधिक अग्नि बीजों की खोज के माध्यम से की जानी आवश्यक होगी। वीर को कुणाल से सीखी गई आकाशीय एकता मन कौशल याद आए, और हालांकि उन्होंने इसे याद कर लिया था, लेकिन उनका इसका अभ्यास करने का कोई इरादा नहीं था। पहली बात तो ये कि उसे कुणाल पर भरोसा नहीं था, और दूसरी बात ये कि इसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। उनके ग्रह पर न केवल स्वर्गीय हृदय कौशल था, बल्कि विकास सिद्धांत, सभी जीवन उत्पत्ति, ईश्वरीय रूपांतरण शास्त्र और उत्पत्ति शास्त्र भी थे। ब्रह्मांड के 5 महान शास्त्रीय विकास कौशल यहाँ परिचालित हो रहे थे। वीर ने कुणाल द्वारा स्वर्गीय एकता मन कौशल के बारे में कही गई बातों की तुलना स्वर्गीय हृदय कौशल से की जो उसने पहले देखा था, और वे लगभग समान थे, लगभग एक ही विषय वस्तु के साथ, केवल मामूली विवरण अलग थे। हालांकि विकास कौशल में 5 शास्त्रीय कौशलों को उनके संक्षिप्त रूपों से संदर्भित किया गया था। एकमात्र अंतर ये था कि केवल आधार उत्परिवर्तन लेबल वाला भाग ही विकास कौशल के माध्यम से प्रसारित किया गया था, जबकि कुणाल के संस्करण में बाद वाले भाग भी शामिल थे। वीर ने ब्लैक डेविल से इस बारे में पूछा था और वह नहीं जानता था कि मूल रूप से इन विकास कौशलों को वापस कौन लाया था। उन्होंने कहा कि शुरू में केवल आधार उत्परिवर्तन भाग ही ज्ञात था, और बाद में कुछ मनुष्यों ने बाकी के टुकड़े प्राप्त किए, हालांकि अधिकांश पूर्ण नहीं थे। जैसा कि वीर को संदेह था, 5 महान विकास कौशल वास्तव में काफी बुनियादी थे, और यहां तक कि बड़े ठिकानों और प्रमुख परिवारों ने अधिक उन्नत विकास कौशल का अभ्यास करने के पक्ष में इन 5 क्लासिक कौशल को छोड़ दिया था।
ब्लैक डेविल की तरह, जिसके पास घर पर सभी 5 आधारभूत विकास कौशल थे, लेकिन उसने एक अन्य गुप्त विकास कौशल का अभ्यास करना चुना, जो कथित तौर पर एक महान ब्रह्मांडीय कबीले की एक गुप्त तकनीक थी, जिसे उसके परिवार के एक बुजुर्ग ने अवसर पाकर प्राप्त किया था। इसके अलावा ब्लैक डेविल ने पहले ही वीर से वादा किया था कि वह उसे गुप्त विकास कौशल सिखाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रतिभा सचमुच एक रहस्यमय चीज है, क्योंकि वही कार्य प्रतिभाहीन लोगों को कठिन लग सकता है और प्रतिभा रखने वालों को सरल लग सकता है। वीर को संदेह होने लगा कि वह विशेष रूप से प्रतिभा से रहित था। उसने बहुत मेहनत से अध्ययन किया था, लेकिन किसी भी तरह से वह ब्लैक डेविल द्वारा सिखाई गई अवधारणाओं को कभी समझ नहीं सका। यद्यपि उनकी गतिविधियां एक जैसी थीं, फिर भी वीर उनके शरीर में शक्ति के उस प्रवाह को महसूस नहीं कर सका, जिसके बारे में ब्लैक डेविल ने बात की थी। जल्दबाजी मत करो, इसे सरल रखो, सीखो, ब्लैक डेविल ने उसे बार बार सिखाने की कोशिश की कि यह कैसे करना है। वीर वास्तव में ब्लैक डेविल को बताना चाहता था कि वह जल्दी में नहीं था, वह बस इसे नहीं सीख सकता था। बूढ़े ब्लैक डेविल, अब मुझे तस्वीर मिल गई है, चलो इसे दिन का काम मान लेते हैं। इस तरह की जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, आप बस खुद को थका लेंगे। मुझे धीरे धीरे सिखाओ और मैं धीरे धीरे सीखूंगा, हमारे पास बहुत समय है, वीर ने कहा जब उसे संदेश मिला कि रशीद और आनंद अरोड़ा बेस पर लौट आए हैं और उन्होंने फिलहाल अभ्यास बंद करने का फैसला किया है। वह सुबह से शाम तक 7 या 8 घंटे प्रशिक्षण लेता था। वीर को आधे दिन के बाद सभी गतिविधियां और सिद्धांत याद हो गए, लेकिन किसी कारण से वह उन्हें व्यवहारिक उपयोग में नहीं ला सका। डाकबर बेस इतनी छोटी जगह थी कि बहुत कम बातें गुप्त रखी जा सकती थीं। थोड़ी सी पूछताछ के बाद वीर को पता चला कि चौहान और अरोड़ा परिवार कुल मिलाकर केवल 7 लोगों के साथ लौटे थे, साथ ही जीरो ने 8 लोगों को खो दिया था, जो वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि ऐसा कहा गया कि वे कई गाड़ियों में सामान भरकर लाए थे, जो पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं था कि अंदर क्या था। वीर ने अनुमान लगाया कि विशालकाय पर्वत से मुक्त होने के बाद वे किसी अन्य स्थान पर गए और कुछ चीजें हासिल की, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन्होंने क्या हासिल किया था। कुछ ही देर में जीरो मिलने आए और वीर ने उसे पार्लर में ले जाया। बहन बाय, ऐसा लगता है कि इस बार आपकी यात्रा काफी फलदायी रही है, वीर ने जीरो के लिए चाय डालते हुए कहा। जीरो ने वीर को घूर कर देखा, मानो उसके हाव भाव से कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फलदायी नहीं, हम वहां लगभग मर गए थे, जीरो ने उदासीनता से कहा। मैंने सुना है कि आप ब्लैक डेविल के साथ वापस आए हैं। वीर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, भागने के बाद मैं छिप गया और आपकी सुरक्षा के बारे में चिंतित था, इसलिए मैं नहीं गया। मैंने 3 दिन तक इंतजार किया और केवल ब्लैक डेविल ही बाहर आया। उसने कहा कि वह उस गुफा में प्रवेश करने के बाद आप सभी से अलग हो गया और उसे नहीं पता कि आपका क्या हुआ। हमने आधे दिन और इंतजार किया और फिर भी आपको नहीं देखा, बहन भाई, और मैंने सोचा। जीरो वीर की आंखों पर नजर गड़ाए रही, मानो यह आंकलन करना चाहती हो कि उसकी बातें सच हैं या झूठ। थोड़ी देर बाद वह बोली, वाकई कुछ परेशानी थी। अगर गुरु की मदद न होती तो शायद चीजें काफी मुश्किल होती। एक मास्टर? किस तरह का मास्टर? क्या डाक बर्ड बेस में आपसे भी ज्यादा ताकतवर कोई है, सिस्टर बाय? वीर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। निश्चित रूप से मुझसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली कोई, जीरो वीर के हाव भाव से कुछ भी नहीं समझ सका और पूछने से पहले सोचने लगा, मैंने सुना है कि आपका दूसरा भाई कई साल पहले लौकी पर्वत में प्रवेश करने के बाद गायब हो गया था। क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस मास्टर ने आपकी मदद की वह मेरा दूसरा भाई था? वीर ने उत्साह से पूछा। मैंने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा, ये सिर्फ अटकलें हैं। रशीद और आनंद अरोड़ा ने अनुमान लगाया कि यह आपका चौथा भाई था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपका चौथा भाई इतना शक्तिशाली नहीं है, जीरो ने हल्के से कहा। वीर के चेहरे पर उदासी छा गई, हमें लगा कि मेरा दूसरा भाई इतने सालों तक लापता रहने के बाद मर गया होगा, अगर वह सच में था तो यह अविश्वसनीय होगा। वैसे तुम्हारा सामान कैसा रहा? वीर ने फिर पूछा। चौहान और अरोड़ा परिवारों के लाभ उनके नुकसान की भरपाई नहीं करते हैं, और इसके अलावा उन्हें संदेह है कि स्वामी या तो आपका तीसरा या चौथा भाई है, इसलिए वे शायद भविष्य में रहेजा परिवार के खिलाफ किसी भी विचार को जल्दबाजी में रखने की हिम्मत नहीं करेंगे। कुछ देर रुकने के बाद जीरो ने कहा, अब जब यह मामला समाप्त हो गया है तो मैं आज सी कॉर्न बेस वापस आऊंगा। क्या तुम मेरे साथ सी कॉर्न बेस वापस आना चाहोगे? मैं तुम्हें उस प्रशिक्षण शिविर से परिचित करा सकता हूँ जिसमें मैं हूँ, वही शिविर जहाँ भाई लिन कभी रहा करते थे। वीर सचमुच एक पल के लिए झिझक गया। ऐसा नहीं था कि वह किसी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होना चाहता था, लेकिन जीरो के जाने के बाद उसे नहीं पता था कि उसे देखने का एक और मौका मिलेगा या नहीं, या फिर उसे अग्नि बीज प्राप्त करने का कोई अवसर होगा या नहीं। काफी देर तक सोचने के बाद वीर ने अचानक जीरो की ओर देखा और पूछा, भाई क्या तुम्हारा वर्तमान में कोई प्रेमी है? जीरो थोड़ा हैरान हुई, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? यदि आप नहीं जानते तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं?
वीर ने खुद से सोचा, अगर वह जीरो को जीत सकता है तो वह न केवल अग्नि बीज प्राप्त करेगा बल्कि रहेजा परिवार की वंशावली की समस्या को भी हल कर देगा। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो? जीरो ने वीर को थोड़ा आश्चर्य से देखा। ऐसी खूबसूरत प्रेमिका कौन नहीं चाहेगा? हालांकि वीर उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सका, लेकिन उसकी आवाज के लहजे से ऐसा लग रहा था कि थोड़ी संभावना थी, जिसने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि वीर यह नहीं देख पा रहा था कि जीरो असल में कैसी दिखती है, लेकिन दूसरों की नजरों से देखते हुए वह जानता था कि जीरो जरूर आकर्षक होगी। सच में अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती तो कोई नुकसान नहीं होता। दुर्भाग्य से मुझे छोटे भाई पसंद नहीं है, जीरो ने खड़े होते हुए कहा। चूंकि आप नहीं जाना चाहते, इसलिए मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। जीरो ने सोचा कि वीर उसके साथ सी कॉर्न बेस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे चतुराई से अस्वीकार करने का ऐसा बहाना ढूंढ लिया था। वीर ने असहाय होकर आह भरी। वह जानता था कि इस तरह के जल्दबाजी भरे सवाल के साथ जीरो उसके बारे में कैसे सोच सकती है। अगर वह उसकी जगह होता तो उसे भी ऐसा ही लगता। जीरो को सामने के गेट तक छोड़ने के बाद और जैसे ही वह मुड़कर वापस जाने वाला था, जीरो ने अपना सिर घुमाया और अचानक वीर से कहा, यदि आप वास्तव में मेरे प्रेमी बनना चाहते हैं तो ये पूरी तरह से असंभव नहीं है। जो भी आपकी शर्तें हैं उन्हें बता दीजिए, वीर ने चिंतनपूर्वक कहा। जीरो ने वीर की ओर एक वस्तु फेंकी। यदि आप इसे सीख सकते हैं और मुझे सी कॉर्न बेस पर ढूंढ सकते हैं तो मैं आपको एक मौका देने पर विचार कर सकती हूँ। बोलने के बाद जीरो ने मुड़कर वीर के कुछ और कहने का इंतजार किए बिना ही वहां से चली गई। मैं तुम्हारी बातों को गंभीरता से लेता हूँ, बाय। वीर ने उस वस्तु को पकड़ा और पाया कि वह एक नोटबुक थी। उसे खोलकर उसने देखा कि उसमें हस्तलिखित पाठ भरा हुआ था। इसे गंभीरता से लें, जीरो की आवाज धीरे से वापस आए। उसका आकार पहले से ही नजरों से ओझल हो गया था। क्या ये बेस म्यूटेशन है? वीर ने इसे ध्यान से जांचा, कुछ परिचित सामग्री पाए। यह एक तरह की बेस म्यूटेशन तकनीक लग रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें केवल सामग्री थी और कोई नाम नहीं था, इसलिए वह ये नहीं बता सका कि इसे वास्तव में क्या कहा जाता है। अंतिम पृष्ठ पर पहुंचने पर वहां केवल बेस म्यूटेशन वाला भाग था, उसके बाद कोई सामग्री नहीं थी। अचानक मुझे बेस म्यूटेशन तकनीक देकर जीरो वास्तव में क्या करना चाहती है? वीर उस समय उसके इरादों को समझ नहीं पाया। अपने कमरे में वापस आकर वीर ने इस तकनीक का कई बार अध्ययन किया। ये बेस म्यूटेशन तकनीक ब्लैक डेविल द्वारा सिखाई गई तकनीक से भी अधिक जटिल थी और यह 5 क्लासिक बेस म्यूटेशन कौशलों की तरह कोई साधारण तकनीक नहीं लग रही थी। ऐसा लगता है कि यह बेस म्यूटेशन तकनीक काफी उन्नत है। अगर मैं इसमें महारत हासिल कर सकता हूं, तो न केवल मैं बेस म्यूटेशन की समस्या को हल कर पाऊंगा बल्कि मुझे परिवार की वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए एक सुंदर और मजबूत प्रेमिका भी मिलेगी और इसके अलावा अग्नि बीज प्राप्त होगा। वास्तव में एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारना, वीर ने सोचा कुछ हद तक उत्साहित महसूस करते हुए। हालांकि वह ये भी जानता था कि भले ही उसने वास्तव में ये बेस म्यूटेशन तकनीक सीख ली हो, लेकिन जीरो वास्तव में उसकी प्रेमिका नहीं बन पाएगी। वह समझ नहीं पाया कि जीरो का वास्तव में क्या मतलब था। जीरो ने रहेजा परिवार को छोड़ने के बाद दूर से रहेजा परिवार के गेट पर नजर डाली और खुद से कहा, टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल करना इतना आसान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि कितने प्रतिभाशाली लोग इसमें महारत हासिल करने में असमर्थ हैं। अन्यथा मैं बेस म्यूटेशन लेबल पर फंसी नहीं रहूंगी और इसे तोड़ने में असमर्थ हो जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि टैलेंट थ्योरी में महारत हासिल करने के लिए किस तरह की असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता है जो मेरी नियति का द्वार खोलने वाली कुंजी बन जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दरअसल चीजें वैसी ही हुई जैसी जीरो ने भविष्यवाणी की थी। चौहान और अरोड़ा दोनों परिवार बहुत आज्ञाकारी हो गए और उन्होंने कोई और परेशानी नहीं खड़ी की, यहाँ तक कि उन मामलों में कुछ रियायतें भी दी जो तीनों परिवारों के हितों से जुड़े थे। कारण सरल था, वीर ने विशालकाय राजा को मारने के लिए जो मुक्का मारा था वह बहुत भयानक था। उन्होंने कुणाल का सामना नहीं किया था और गलती से मान लिया था कि उनके अलावा केवल लिन भाई ही उस जगह पर थे। स्वाभाविक रूप से वे बहुत डरे हुए थे। उन्हें चिंता थी कि वह व्यक्ति लिन भाइयों में से एक हो सकता है जो उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ रहा है। वीर का अस्थायी रूप से चौहान और अरोड़ा परिवारों से निपटने का कोई इरादा नहीं था। पहला कारण ये था कि वह अभी तक काफी मजबूत नहीं था और दूसरा कारण ये था कि उसके पास वास्तव में समय और प्रयास की कमी थी। पिछले कुछ दिनों से वह ब्लैक डेविल से बेस म्यूटेशन तकनीक सीख रहा था, लेकिन कोई प्रगति नहीं हो रही थी। वह ब्लैक डेविल द्वारा बताई गई शक्ति के प्रवाह को महसूस करने में असमर्थ था। ब्लैक डेविल, मेरे लिए इस बेस म्यूटेशन तकनीक पर एक नजर डालो, वीर ने निर्णायक रूप से हार मान ली। अपने वर्तमान गुण के साथ अगर वह इसमें महारत हासिल कर सकता था तो पिछले कुछ दिनों में कुछ परिणाम होने चाहिए थे। बिना परिणाम के बने रहना समय की बर्बादी होगी। वीर ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अनावश्यक रूप से चीजों से चिपका रहता था। जब छोड़ने का समय आया तो उसने निर्णायक रूप से ऐसा किया। उसे चमत्कार होने का इंतजार करना पसंद नहीं था।
ब्लैक डेविल ने वीर द्वारा दी गई नोटबुक ली और धीरे धीरे उसे पलटना शुरू कर दिया। ये नोटबुक वह नहीं थी जो जीरो ने वीर को दी थी, बल्कि इसकी एक प्रतिलिपि उसने स्वयं बनाई थी। ब्लैक डेविल ने नोटबुक को एक बार पढ़ा, फिर उसे पलटा और दोबारा पढ़ा, कभी कभी आगे पीछे पलटा। ये 2 घंटे से ज्यादा समय तक चलता रहा। वीर ने ब्लैक डेविल पर दबाव डाले बिना धैर्यपूर्वक उसके पास इंतजार किया। अपना प्रश्न पूछो, ब्लैक डेविल ने नोटबुक नीचे रखकर वीर की ओर देखते हुए कहा। क्या मैं इसका अभ्यास कर सकता हूँ? वीर ने स्पष्ट रूप से पूछा। कोशिश करो, ब्लैक डेविल ने एक शब्द में उत्तर दिया। अगर मैं इसका अभ्यास कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, अगर नहीं कर सकता तो मैं नहीं करूँगा। कोशिश से आपका क्या मतलब है? वीर ने भौहें सिकुड़ी। ब्लैक डेविल ने कहा, उन्नत में त्रुटियां हैं, निरंतरताएं गायब हैं, उन्हें ठीक करें, प्रयास करें, कोई नुकसान नहीं है। वीर समझ गए। ब्लैक डेविल ने कहा कि यह बेस म्यूटेशन तकनीक बहुत उन्नत थी, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां थीं और इसके बाद के हिस्से गायब थे। वह कुछ सुधार करने में मदद कर सकता है और वीर के लिए इसका अभ्यास करना नुकसानदेह नहीं होगा। ये वैसा ही था जैसा वीर के मन में था। इसे आजमाने से कोई नुकसान नहीं होगा। बेस म्यूटेशन तकनीक में जिन कई स्थानों पर त्रुटियां थीं, वास्तव में वीर द्वारा जानबूझकर गलत तरीके से उनकी नकल की गई थी। ब्लैक डेविल, कृपया इसे ठीक करने में मेरी मदद करें। मैं इसे आजमाने की योजना बना रहा हूं, वीर ने कहा। जरूर। ब्लैक डेविल ने कागज और कलम उठाया और उन हिस्सों को सही किया जो उसके हिसाब से गलतियां थीं। वीर ने किनारे से देखा। ब्लैक डेविल ने जो हिस्से सही किए वे बिल्कुल वही थे जो उसने गलत लिखे थे। उसने कोई और मुद्दा नहीं उठाया। ब्लैक डेविल, क्या आप जानते हैं कि यह बेस म्यूटेशन तकनीक क्या है? वीर ने ब्लैक डेविल से सही बेस म्यूटेशन तकनीक लेते हुए पूछा। मूल रूप से वीर को उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक डेविल को वास्तव में पता होगा कि यह बेस म्यूटेशन तकनीक क्या थी। आखिरकार ऐसी उन्नत तकनीकें उन सभी के लिए गोपनीय होनी चाहिए जिनके पास वे हैं और उन्हें आसानी से प्रसारित नहीं किया जाएगा। अप्रत्याशित रूप से ब्लैक डेविल ने झिझकते हुए कहा, शायद मुझे पता है। वीर को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने जल्दी से ब्लैक डेविल से विवरण पूछा। ब्लैक डेविल द्वारा काफी देर तक समझाने के बाद वीर को आखिरकार स्थिति समझ में आ गई। ब्लैक डेविल ने इस विशेष बेस म्यूटेशन तकनीक को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना था और वीर ने जो नकल की थी वह इससे बहुत मिलती जुलती थी। मनुष्यों द्वारा अपनाई जाने वाली आधार उत्परिवर्तन तकनीकें अधिकांशतः ब्रह्मांड से आती हैं तथा उनमें से बहुत कम संख्या ही मानव मूल की हैं। मानव निर्मित आधार उत्परिवर्तन तकनीकों के उस छोटे से हिस्से में विशाल बहुमत अन्य आधार उत्परिवर्तन तकनीकों से व्युत्पन्न या उनकी नकल करके बनाया गया है। एकमात्र आधार उत्परिवर्तन तकनीक जिसे ब्लैक डेविल जानते थे कि वह पूरी तरह से मनुष्यों द्वारा अवधारणागत थी, सिद्धांत से लेकर व्यवहार तक, वह अग्नि द्वारा बनाई गई थी, जिन्हें बेस म्यूटेशन के अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया गया था, जिन्हें प्रतिभा सिद्धांत के रूप में जाना जाता था। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि टैलेंट थ्योरी ने अन्य बेस म्यूटेशन तकनीकों से पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण अपनाया था, जिससे ब्लैक डेविल, हालांकि उन्होंने टैलेंट थ्योरी नहीं देखी थी, अनुमान लगा सके कि यह वास्तव में टैलेंट थ्योरी थी। बेशक ये तथ्य कि ब्लैक डेविल ने संभवतः शब्द का उपयोग किया, ये दर्शाता है कि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था कि यह प्रतिभा सिद्धांत था, बल्कि यह केवल एक बहुत ही संभावित अनुमान था। ब्लैक डेविल ने दावा किया कि अग्नि प्रतिभा सिद्धांत के साथ लगभग अजेय थी, और पहले तो वीर हैरान रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में कभी क्यों नहीं सुना। बाद में ही उन्हें पता चला कि अग्नि की क्षमता बेस म्यूटेशन लेवल तक ही सीमित थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रतिभा सिद्धांत का अभ्यास कैसे भी कर ले, वह बेस म्यूटेशन लेवल को पार नहीं कर सकता था। दूसरे शब्दों में, अग्नि केवल बेस म्यूटेशन लेवल पर ही अजेय हो सकती थी, जिसमें उन्नति की कोई संभावना नहीं थी, और अभ्यास शुरू करने की आवश्यकताएं इतनी अधिक थीं कि साधारण लोग इसे आसानी से नहीं कर सकते थे। बाद में और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों ने अग्नि के प्रतिभा सिद्धांत पर शोध किया, लेकिन अफसोस, परिणाम सभी के लिए एक ही था। कोई भी बेस म्यूटेशन लेवल को पार नहीं कर सका, चाहे कोई भी कोशिश करे। आज भी ऐसे लोगों का एक समूह है जो लगातार प्रतिभा सिद्धांत का अध्ययन कर रहा है, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग एक दशक पहले कुछ सफलताएं भी मिली थीं, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ है जो प्रतिभा सिद्धांत का सफलतापूर्वक अभ्यास कर पाया हो। वास्तव में अग्नि के अलावा इतिहास में बहुत कम लोग हुए हैं जो प्रतिभा सिद्धांत का अभ्यास कर सके, और इसे तोड़ने की तो बात ही छोड़ दें। ये वाकई दिलचस्प है। प्रतिभा के बिना कोई सफल नहीं हो सकता, और प्रतिभा के साथ भी कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी बेस म्यूटेशन तकनीक का वास्तव में प्रसार में कोई महत्व नहीं है। ये प्रतिभाओं को बर्बाद करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है, वीर ने इसे आजमाने का फैसला किया। चूंकि बेस म्यूटेशन तकनीकों को तब तक बदला जा सकता है जब तक आप बेस म्यूटेशन लेबल को पार नहीं कर लेते, इसलिए इसे आजमाने में कोई बुराई नहीं है। वीर ने जीरो द्वारा दी गई बेस म्यूटेशन तकनीक का अभ्यास करने का प्रयास करना शुरू कर दिया, जिससे उसे एक और निराशा हुई।
ये बेस म्यूटेशन तकनीक अभी भी उसे अपने शरीर के भीतर शक्ति के प्रवाह को महसूस नहीं करा सकी, जिससे वीर थोड़ा निराश हो गया। ब्लैक डेविल के अनुसार केवल असाधारण प्रतिभा वाले मनुष्य ही प्रतिभा सिद्धांत का अभ्यास कर सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो इसका मतलब है कि उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है, कम से कम 10,000 में से एक भी नहीं। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। वीर ने सीधे सेलेस्टियल यूनिटी माइंड स्किल लिया जो उसने कुणाल से प्राप्त किया था। पहले यह अनुभव करना चाहता था कि शक्ति के प्रवाह की भावना कैसी होती है। फिर उसने टैलेंट थ्योरी या ब्लैक डेविल द्वारा पारित गुप्त बेस म्यूटेशन तकनीक का अभ्यास करने की योजना बनाई। जब तक उसने प्रयास नहीं किया उसे पता नहीं चला, और उसके आश्चर्य की बात यह थी कि वीर स्वर्गीय हृदय कौशल का अभ्यास नहीं कर सका, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे लगभग हर कोई सीख सकता है, यहाँ तक कि किसी भी स्टील म्यूटेटर द्वारा भी। क्या मेरी प्रतिभा वास्तव में इतनी खराब है? वीर कुछ हद तक निराश था, लेकिन फिर उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। भले ही उसकी प्रतिभा खराब थी, लेकिन यह इतनी बुरी भी नहीं होनी चाहिए थी कि वह बेस म्यूटेशन तकनीक को न सीख सके, जिसे बाकी सभी सीख सकते हैं, है ना? फिर भी हार न मानते हुए वीर ने परीक्षण हेतु 5 क्लासिक बेस म्यूटेशन तकनीकों में से 2 और तकनीकों को ढूंढा। उसने पहले मूल शास्त्र का अभ्यास किया, लेकिन उसका भी वही नतीजा निकला, उसे कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने दिव्य रूपांतरण शास्त्र का अभ्यास किया और उसका भी वही नतीजा निकला, वह फिर भी सफल नहीं हो सका। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझमें वास्तव में साधना के लिए कोई प्रतिभा नहीं है? लेकिन ये भी सही नहीं है। साधारण आधार उत्परिवर्तन तकनीकों के लिए आधार उत्परिवर्तन को पूरा करना आवश्यक है, और चूंकि मैंने पहले ही वह कर लिया है, इससे ये साबित होता है कि मुझमें प्रतिभा है। मैं सफल क्यों नहीं हो सकता? वीर पूरी तरह से चकित था। ब्लैक डेविल भी इस बात से परेशान था कि वीर के साथ क्या हो रहा था। उसने कभी ऐसे म्यूटेटर के बारे में नहीं सुना था जो 5 मौलिक बेस म्यूटेशन तकनीकों में से किसी का भी अभ्यास नहीं कर सकता था। फिर भी वीर सीधे अपने भाई के अध्ययन कक्ष में गया, ताला तोड़ दिया और कई आधार उत्परिवर्तन तकनीकों को निकाल लिया जो उसके भाई ने अभ्यास के लिए एकत्र की थी। कई और बेस म्यूटेशन तकनीकों को आजमाने के बाद वीर की अभिव्यक्ति लगातार गंभीर होती गई। जब उसने सोचा कि वह वास्तव में किसी भी बेस म्यूटेशन तकनीक का अभ्यास नहीं कर सकता, तो एक और कोशिश ने कुछ परिणाम दिए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वीर को अंततः उस शक्ति प्रवाह का एहसास हुआ जिसके बारे में ब्लैक डेविल बात कर रहे थे। यह ऐसा था जैसे रेत के माध्यम से पानी रिसकर बह रहा हो। वह शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, उसके मांस, हड्डियों और आंतरिक अंगों को धोती हुई, मानो वह मांस से नहीं बल्कि रेत से बना हो, और वह महीन तरल लगातार उसके अंदर प्रवाहित होता रहा, उसके शरीर से अशुद्धियों को निकालता रहा और धीरे धीरे उन्हें बाहर निकालता रहा। ये काम कर गया, मैं अभी भी अभ्यास कर सकता हूँ, वीर ने बेस म्यूटेशन तकनीक को देखा जिसकी उसने आत्मविश्वास के लिए सलाह ली थी, जिसके कवर पर एवोल्यूशन थ्योरी लिखा था जो 5 मौलिक बेस म्यूटेशन तकनीकों में से एक है। जब तक मैं अभ्यास कर सकता हूँ मैं पहले विकास सिद्धांत से शुरुआत करूंगा। जब मैं शक्ति प्रवाह की भावना से परिचित हो जाऊंगा तब मैं अन्य आधार उत्परिवर्तन तकनीकों का अभ्यास कर सकता हूँ जो अधिक प्रभावी होनी चाहिए। ब्लैक डेविल के साथ चर्चा करने के बाद ब्लैक डेविल ने भी सोचा कि वीर का विचार व्यवहार्य था, पहले विकास सिद्धांत का अभ्यास करना और फिर अन्य आधार उत्परिवर्तन तकनीकों का। ब्लैक डेविल ने अतीत में विकास सिद्धांत का अध्ययन किया था और जब उन्होंने मिस्टर ग्रोवर से वीर को प्राप्त विकास सिद्धांत को देखा तो उन्हें इसमें कुछ त्रुटियां मिली। अजीब बात यह है कि ब्लैक डेविल द्वारा उन त्रुटियों को सुधारने के बाद वीर अपने शरीर में शक्ति के प्रवाह को महसूस नहीं कर सका। जब उन्होंने गलत संस्करण के साथ अभ्यास किया तो वे पुनः उस संवेदना को प्राप्त करने में सक्षम हो गए। अजीब, ब्लैक डेविल को भी ये बहुत अजीब लगा। उसने बार बार पुष्टि की कि उसने गलत याद नहीं किया था, वीर के पास मौजूद विकास सिद्धांत में वास्तव में कई गलतियां थीं। वैसे भी ये सिर्फ एक बदलाव है, इसे गलत ही रहने दो, इसका ज्यादा असर नहीं होता। वीर ने विकास सिद्धांत के गलत संस्करण के साथ अभ्यास करना जारी रखा और इसके प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छे थे। वीर के निपुण हो जाने के बाद उसने ब्लैक डेविल द्वारा सिखाई गई गुप्त तकनीकों को सीखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने प्रतिभा सिद्धांत का प्रयास किया तो वह और भी कम सफल रहा। क्या ये सच में हो सकता है कि मैं माही के अग्नि बीज को पाने से चूक जाऊं? वीर थोड़ा निराश महसूस कर रहा था, उसे डर था कि शक्ति और धन दोनों हासिल करने की उसकी योजना विफल हो जाएगी। वीर ने एक बार फिर से सभी बेस म्यूटेशन तकनीकों को आजमाया, लेकिन नतीजा वही रहा, वह दोषपूर्ण विकास सिद्धांत को छोड़कर किसी के साथ भी शक्ति प्रवाह को महसूस नहीं कर सका। त्रुटिपूर्ण विकास सिद्धांत के साधना प्रभाव अप्रत्याशित रूप से अच्छे थे। कुछ ही दिनों के अभ्यास से उनके स्टील बॉडी की अवधि में काफी वृद्धि हुई और यहां तक कि सुपर बेस चेंज की अवधि में भी कुछ विस्तार देखा गया। मनुष्य मूलतः मांस और रक्त के एलियन थे और बेस म्यूटेशन के माध्यम से स्टील बॉडी का उपयोग करने में न केवल भारी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती थी बल्कि अधिक भार के कारण शरीर लंबे समय तक स्टील बॉडी की स्थिति को बनाए नहीं रख सकता था।
इसलिए सामान्य म्यूटेटर, यहाँ तक कि क्रिस्टल बेस लेबल के म्यूटेटर भी हर समय युद्ध की मुद्रा में नहीं रह सकते थे और आमतौर पर सामान्य मानव अवस्था में ही रहते थे। सभी प्रकार की बेस म्यूटेशन तकनीकों का प्रभाव स्टील बॉडी की अवधि को बढ़ाने का होता है। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि प्रभाव कितना मजबूत या कमजोर है। 5 मौलिक आधार उत्परिवर्तन तकनीकों का सबसे बड़ा लाभ स्थिरता है और अवधि बढ़ाने पर उनका प्रभाव सभ्य है, लेकिन यह विकास सिद्धांत जितना ध्यान देने योग्य नहीं था जिसका वीर अभ्यास कर रहा था। कुछ ही दिनों के अभ्यास से उसकी क्षमताओं में बहुत वृद्धि हुई, जिसने ब्लैक डेविल को भी आश्चर्यचकित कर दिया। चूंकि अन्य आधार उत्परिवर्तन तकनीकें काम नहीं करती हैं, इसलिए मैं केवल विकास सिद्धांत का अभ्यास कर सकता हूं। वीर अभी भी वर्तमान परिणाम को स्वीकार करने में सक्षम था। यद्यपि वह गुप्त या विशेष आधार उत्परिवर्तन तकनीकों को नहीं सीख सका, सौभाग्य से विकास सिद्धांत द्वारा लाए गए प्रभाव बुरे नहीं थे और विकास सिद्धांत के बाद के हिस्सों को ढूंढना अपेक्षाकृत आसान था। यदि वह प्रतिभा सिद्धांत का अभ्यास करता तो उसके पास अगले भाग भी नहीं होते और उसे उन्हें स्वयं ही बनाना पड़ता, जो कि बहुत अधिक परेशानी भरा होता। ये बहुत बुरा है कि मैं माही के लिए किस्मत में नहीं हूँ। ये जानते हुए कि जीरो के साथ पकड़ने की उनकी संभावनाएं बहुत कम थी, वीर ने आधिकारिक तौर पर मैचमेकिंग को एजेंडे में डाल दिया। आजकल वीर को हर दिन विकास सिद्धांत का अभ्यास करने, ब्लैक डेविल से युद्ध कौशल सीखने और संभावित अग्नि बीजों की तलाश करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता थी। उसके पास डेट करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। मैचमेकिंग निस्संदेह उसके लिए सबसे समय कुशल और लागत प्रभावी तरीका था, ताकि वह जल्द से जल्द रहेजा परिवार के उत्तराधिकार को सुनिश्चित कर सके। इस कारण से वीर ने मैचमेकर्स पर काफी पैसा खर्च किया, लेकिन बेस की लड़कियों ने ये सुनकर कि यह वीर के लिए था, प्रशंसकों की तरह अपना सिर हिलाया और उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। वीर बहुत असहाय था। वह इस तरह के परिदृश्य के लिए बहुत पहले से तैयार था। अगर ऐसा न होता तो भारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे वीर इस बिंदु तक अविवाहित नहीं रह पाते। आखिरकार इस युग में विवाह कानून अब अस्तित्व में नहीं थे और कई लोग 17 या 18 साल की उम्र में ही शादी कर लेते थे। वीर के पास एक आकर्षक युवक की ऊंचाई, आकर्षक रूप और पैसा था। भले ही वह रहेजा परिवार के व्यवसाय को चलाने में भाग नहीं लेता था, लेकिन उसकी बड़ी बहन द्वारा उसे हर महीने दी जाने वाली जेब खर्च पहले से ही आम लोगों के लिए एक बड़ी रकम थी। कोई भी लड़की वीर के साथ मेल नहीं खाना चाहती थी और इसका कारण डाक बट बेस में उसकी प्रसिद्ध पूर्व प्रेमिका योशेन बेस के अंबानी परिवार की एक्स किंग थी। योशेन बेस पास के सबसे मजबूत बेसों में से एक था और अंबानी परिवार की ताकत चौहान, अरोड़ा और रहेजा परिवार की संयुक्त सेना से भी अधिक थी। बेशक ये तब की बात है जब बड़े तीन परिवार बहुत कमजोर हो चुके थे। अब कोई भी तरीका नहीं है जिससे वे अंबानी परिवार की बराबरी कर सकें। डाक बट बेस और योशेन बेस बहुत दूर नहीं थे और उनके बीच अक्सर व्यापारिक संबंध होते थे। एक बार एक्स किंग अपने परिवार के साथ डाक बट बेस में एक दुकान खोलने के लिए चली गई और कुछ सालों तक वहीं रही। किसी तरह वह और वीर एक दूसरे से सहमत हो गए और जल्दी ही एक रोमांटिक रिश्ता विकसित हो गया। जब एक्स किंग ने डाक बट बेस छोड़ा तो उसने सभी को चेतावनी दी कि जो कोई भी उसके आदमी वीर के साथ गड़बड़ करने की हिम्मत करेगा उसे खुद परिणाम भुगतने होंगे। समस्या ये थी कि वीर ने एक्स किंग के साथ पहले ही रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन डाक बट बेस में किसी को ये पता नहीं था। यहां तक कि जब वीर ने बात की तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय उन्हें संदेह था कि वीर अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकता था और एक्स किंग की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर गुप्त संबंध बनाना चाहता था। वीर के पास वास्तव में कोई समाधान नहीं था। वह संभवतः एक्स किंग को नहीं ढूंढ सकता था और फिर उसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए डाक बट बेस में खींचकर सार्वजनिक रूप से यह घोषणा नहीं कर सकता था कि उनका ब्रेकअप हो गया है। वीर, मिस्टर ग्रोवर और चौथा भाई कब वापस आ रहे हैं? एक बूढ़े व्यक्ति ने, जिसने वीर को ब्लैक डेविल के साथ युद्ध कौशल का अभ्यास करते हुए पाया, उत्सुकता से पूछा। तानिया, तुम कब वापस आए? बड़ी बहन कहाँ है? ओल्ड मैन को देखकर वीर का दिल खुशी से उछल पड़ा। तानिया रहेजा परिवार के खातों की प्रभारी थी और हमेशा वीर की सबसे बड़ी बहन का अनुसरण करती थी। चूंकि तानिया वापस आ गई थी, इसका मतलब था कि बड़ी बहन को भी वापस आ जाना चाहिए था। योशेन बेस पर हमारे साथ एक घटना हुई, हमारा सामान और परिवार का मुखिया हिरासत में लिया गया, तानिया ने उत्सुकता से समझाया। वीर, आपको मुझे ये बताना होगा कि मिस्टर ग्रोवर और चौथा भाई कब वापस आ रहे हैं। हम इस मामले को और नहीं टाल सकते, ये परिवार के मुखिया के लिए और भी परेशानी भरा हो जाएगा। तानिया, शांत रहो, वास्तव में क्या हुआ? वीर की अभिव्यक्ति गहरी हो गई, लेकिन उसने बोलते समय तानिया को शांत करने की कोशिश की। तानिया ने जल्दी से स्थिति समझाई। बड़ी बहन याशेन बेस पर बेचने के लिए सामान ले गई, जो आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि उनके पास पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित बिक्री चैनल थे। बस सामान पहुंचाने की जरूरत थी। सामान पहुंचाने के बाद यात्रा को सार्थक बनाने के लिए उन्हें याशेन बेस से सामान का एक जत्था भी उठाना था। इसी पिकअप के दौरान समस्या उत्पन्न हुई।
बड़ी बहन ने कुछ असामान्य चीजों को देखे बिना कुछ विविध सामान एकत्र किया। हालांकि बाद में करीब से निरीक्षण करने पर उन्हें सामानों के बीच एक म्यूटेंट एग मिला, एक स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक खोज। कुछ ही समय बाद विक्रेता ने बड़ी बहन से बेचे गए सामान को वापस करने का अनुरोध किया। चूंकि दोनों पक्ष व्यापार में लगे हुए थे, इसलिए भुगतान के साथ लेन देन पहले ही पूरा हो चुका था। स्वाभाविक रूप से माल वापस करने की कोई संभावना नहीं थी। दरअसल विक्रेता वह नहीं था जो सामान वापस मांग रहा था। राजपूत परिवार को म्यूटेंट एग के बारे में पता चल गया था और उन्होंने विक्रेता को पकड़ लिया था और उसे सामान वापस मांगने के लिए मजबूर किया था। बड़ी बहन ने कुछ भी लौटाने से इनकार कर दिया, इसलिए राजपूत परिवार ने बड़ी बहन और सामान दोनों को ही हिरासत में ले लिया। सौभाग्य से बड़ी बहन दूरदर्शी थी और उसने म्यूटेंट एग को समय से पहले ही डाक बट बेस पर वापस भेज दिया, जिससे वे उस पर कब्जा नहीं कर पाए। ग्रैंडमास्टर ने तानिया को रिहा कर दिया ताकि वह रहेजा परिवार को सूचित कर सके कि वे बंदी के बदले में म्यूटेंट एग लेकर आए। वीर को राजपूत परिवार के बारे में पता था। अंबानी परिवार के अलावा ये राजपूत परिवार ही था जो योशेन बेस पर प्रतिद्वंद्वी था और रहेजा परिवार की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली था। म्यूटेंट एग कहाँ है, वीर ने गंभीरता से पूछा। मैंने पहले ही चारों ओर पूछताछ कर ली है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को म्यूटेंट एग पहुंचाना था वह वापस नहीं आया है। हमें नहीं पता कि सड़क पर कोई दुर्घटना हुई है या कुछ और हुआ है, तानिया ने तत्काल कहा। वीर, मिस्टर ग्रोवर और चौथा भाई वास्तव में कब वापस आ सकते हैं? ये समस्या तभी हल हो सकती है जब वे हस्तक्षेप करें। तानिया, पहले तुम आराम करो, कुछ खाओ। आराम करने के बाद हम योशेन बेस की ओर चलेंगे, वीर ने कहा। उसने मूल रूप से ये देखने के लिए बाहर जाने की योजना बनाई थी कि क्या वह अन्य ठिकानों में अग्नि बीज पा सकता है और संभावित विवाह संबंधों पर भी विचार करना चाहता था। अब जब ऐसी घटना घट चुकी है तो योशेन बेस का दौरा करने का यह सबसे अच्छा अवसर था। वीर, योशेन बेस जाने का क्या फायदा? मिस्टर ग्रोवर और चौथे भाई को ही जाना है, तानिया बहुत चिंतित था और बिना सोचे समझे बोल गया, लेकिन उसने जल्दी से इसे समझने के बाद समझाने की कोशिश की। वीर, मेरा मतलब यह नहीं था, तुम राजपूत परिवार की ताकत को जानते हो। अगर मिस्टर ग्रोवर और चौथे भाई आगे आते हैं तो एक मौका हो सकता है कि वे हमारा भला करें। तानिया, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मुझे नहीं पता कि तीसरा भाई और चौथा भाई कब वापस आएंगे। लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले स्थिति का आकलन करने के लिए योशेन बेस जाएंगे। कम से कम हम बड़ी बहन को बिना किसी सहारे के वहां अकेला नहीं छोड़ सकते, वीर ने शांति से कहा। लेकिन तानिया कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन वीर ने उसे बीच में रोक दिया। कोई बात नहीं तानिया, अगर तुम थकी हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो और आराम कर सकती हो। मैं खुद ही चला जाऊंगा, वीर ने कहा। अगर तुम सच में जा रहे हो ओल्ड मैन, तो मैं तुम्हें योशेन बेस जाने का रास्ता बताऊंगी, तानिया ने कहा। सभी एपिसोड सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए।